रहेगा बेटा, टॉप रहेगा, इज्जत से आ। एंड एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं जो आज के टाइम में शायद डिफरेंस है, वो ये है कि 2 साल पहले ना, अगर आप TSM एंटिटी के अगेंस्ट खेल रहे हो और फॉर एग्जांपल जोनाथन ने आपको नॉक दिया या हाँ कंट्रोल दबाओ, थैंक यू बडी, तो जोनाथन ने आपको नॉक दिया, जैसे यहाँ पे हमारी फाइट हो गई, फॉर एग्जांपल जोनाथन ने नॉक दिया या नियो ने नॉक दिया या जी गॉड ने या क्लच गॉड ने नॉक दिया, गॉडर के किसी भी बंदे ने नॉक दिया, टीम्स बैक ऑफ करती थी, वो जो बंदा नॉक हुआ है ना उसको छोड़ ही देती थी, उसको छोड़ देती थी, क्योंकि उनको पता था कि TSM एंटिटी ने नॉक दिया है तो वो नहीं, वो बंदा मर गया और उनका पुश आने ही वाला है, सो इट्स बेटर नॉट टू रिवाइव एंड टेक ए 3v4 फाइट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम रिवाइव एंड ऑल। बट आज के टाइम पे पता है क्या हो गया है, आज के टाइम पे ना लोगों को होल्ड करना आ गया है किसी टीम के पुश को, कि अगर बंदा नॉक होगा ना दिल होल्ड, दो बंदों को मालूम है कि किस तरीके से ना पुश को होल्ड किया जाएगा, तो उस वजह से जो उनका नेचुरल गेम था ना वो एक तरीके से रुइन हो गया है, रुइन हुआ या फिर बाकी टीमों ने अंडरस्टैंड कर लिया, यू मीन डेटा ओरिएंटेड गेम हो गया है। हाँ लोग इतना ज़्यादा यार, उस टाइम पे देखो 2 साल पहले तक है ना हर एक टीम के पास कोच भी नहीं था, आज के टाइम पे हर एक टीम के पास कोच है, हर एक प्रॉपर Tier 1 टीम के पास कोच है, एनालिस्ट ऑलमोस्ट बहुत सी टीमों के पास एनालिस्ट है और कुछ टीमों में कोच और एनालिस्ट दोनों सेम ही बंदे हैं, बट ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है जो हर एक टीम का सब कुछ बता दिया जाता है। आज कोई भी टीम कंसिस्टेंटली टॉप पे नहीं रह सकती क्योंकि हर टीम दूसरी टीम को है ना ओवरशैडो करने की कोशिश करती है, किसी ना किसी टूर्नामेंट में ना किसी टीम का परफॉर्मेंस आ ही जाता है। पहले गॉडेल का डोमिनेशन एक तरफा चलता था या सोल जो है बैक टू बैक दो टूर्नामेंट्स निकाल लेती थी, बट आज के टाइम पे नहीं होता है, सोल कभी क्वालिफाई नहीं करती, कभी गॉडेल क्वालिफाई नहीं करती, तो आज के टाइम पे ना सारी टीमों ने एक दूसरे का डेटा जो है ना एनालाइज कर रखा है, सबको मालूम है कौन सी टीम कैसे खेलती है एंड अगर इस टीम से XYZ अगर नॉक आता है तो इनका एक बंदा कहाँ से घूम के आएगा, सब पता रहता है।